दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं तेजपाल ढाबा के मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आ चुका हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने मोबाइल के द्वारा आप अपना एक प्रोफेशनल यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बहुत शानदार तरीके से, बहुत सिंपली तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि अपना प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बनाएं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों मैं आ गया हूँ मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर। इसमें आपको दोस्तों सिंपली कैनवा ऐप पर क्लिक करना है। अगर आपके मोबाइल में कैनवा ऐप नहीं है तो उसे डाउनलोड कर लें। दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें ऊपर आपको सर्च बार में YouTube थंबनेल डालना है। जैसे ही आप सर्च बार में YouTube थंबनेल डालोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपको दिख रहा होगा ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज पर आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप ब्लैंक वाले पेज पर क्लिक करेंगे कुछ ऐसा का इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपको नीचे प्लस का आइकन दिख रहा होगा, उस पर सिंपली क्लिक करना है। तो उसके बाद कुछ इस तरह का खुलेगा। उसके बाद आपको एलिमेंट नीचे आपको दिख रहा होगा गैलरी के साइड में, एलिमेंट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको लाइन एंड शेप्स दिखाई दे रहा है दोस्तों। लाइन एंड शेप्स पे सेकंड नंबर वाले पे बॉक्स पर क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह आ जाएगा। इसको आप अपने पूरे ब्लैंक पेज पर फैला लीजिएगा, वो सिंपली फैल जाता है। आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह बन जाएगा। दोस्तों अब इसके बाद आपको अपनी फ़ोटो लगाना है। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद गैलरी दिख रही होंगी, नीचे सेंटर में गैलरी है उस पर क्लिक करना है। और यहाँ से अपनी जो भी इमेज आपको डालनी है वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं अपनी ये वाली फोटो ले लेता हूँ। दोस्तों अब इस फोटो को अब अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आपको प्लस वाले आइकन पर जाना है और यहाँ से आपको टेक्स्ट, नीचे टेक्स्ट दिख रहा होगा, टेक्स्ट पर क्लिक करना है जिससे कि आप वहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसमें ऐड अ हेडिंग उस पर क्लिक करना है। तो कुछ यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें आप नीचे एडिट वाला सिंबल होगा उस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप कुछ भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे मेरे को लिखना है मोबाइल से YouTube थंबनेल कैसे बनाएं, तो सबसे पहले लिखेंगे मोबाइल और से मैं हिंदी में रखूंगा। तो कुछ इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस पर आपको मोबाइल से पर क्लिक करना है और अपने हिसाब से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं और इसका नीचे से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। ए पर क्लिक करना है और यहाँ से आप कलर जो चाहे वो डाल सकते हैं। मैं ये वाला कलर डाल देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों आपको नीचे देख रहा होगा डुप्लीकेट्स लिखा होगा, डिलीट के बाजू में डुप्लीकेट है, उस पर क्लिक करना है। तो इसकी दूसरी कॉपी हो जाएंगी और उसके बाद यहाँ पे एडिट, नीचे एडिट है उस पर फिर से क्लिक करना है और यहाँ पर लिख देना है YouTube थंबनेल, YouTube थंबनेल।
ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह से YouTube थंबनेल लिखा हुआ आ जाएगा। YouTube थंबनेल पर क्लिक करना है, उसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। और एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप कलर मेरे हिसाब से वाइट रहना चाहिए। उसके बाद आप इसको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, एलिमेंट्स पे जाना है और ये स्क्वायर वाला फिर से लेना है आपको बॉक्स, और इसको पूरे YouTube थंबनेल पर लगा देना है। इससे क्या है, आपका थंबनेल बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। और आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आप चाहे, चाहे ब्लू कर सकते हैं, चाहे रेड कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहे। मैं रेड रख रहा हूँ क्योंकि रेड थंबनेल बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। उसके बाद में डुप्लीकेट पे फिर से जाना है, उसके बाद में डुप्लीकेट पे फिर से जाना है और नीचे स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके आप यहाँ लिख देंगे कैसे बनाएं। कैसे बनाएं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिख दिया कैसे बनाएं। अब इसको नीचे करके और सिंपली इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। और फिर से प्लस वाले आइकन पर जाएंगे और एसेप्स आप ले लेंगे, इसको छोटा करके नीचे ले आएंगे और पूरे कैसे बनाए पर फैला देंगे। ठीक है दोस्तों, और एडजस्ट करके और इसका भी आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी आप अट्रैक्टिव दिखे वैसा आप थंबनेल लगा सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है दोस्तों, बस सिंपली यहाँ ऊपर ऊपर सेव वाले बटन पर क्लिक करना है और ये थंबनेल आपका बन के रेडी हो चुका है। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे देख लीजिए ब्लू कलर में डाउनलोड है, उस पर क्लिक करेंगे और यह इमेज आपके प्रोफाइल पिक्चर में गैलरी में डाउनलोड हो चुकी है। तो दोस्तों बहुत सिंपल तरीका है, आप यहाँ से अपने तरीके से जितने चाहे उतने बना सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।